हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज, और न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है, हम सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूं। अब फाइनल मैच होने वाला है इंडिया का साउथ अफ्रीका के साथ। पहली बार दोस्तों T20I के इतिहास में ऐसा होने वाला है कि वर्ल्ड कप वो टीम जीतेगी जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में सारे के सारे मैच जीत चुकी है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो चाहे वो इंडिया हो। कोई भी मैच किसी भी टीम ने अभी तक हारा नहीं है। तो कौन होगा विनर दोस्तों? पिच कैसी है? टॉस होती है तो टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? आइए चलिए मैं आपको अपने एनालिसिस से बताता हूँ। दोस्तों, बारबेडॉस पे अभी तक इस सीरीज में, इस वर्ल्ड कप में 5 या 6 मैचेस हुए हैं। मैंने सोचा पहले आपको उन सब मैचेस के बारे में बता दूं, उससे थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि टीम जो टॉस जीतती है उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों, लेटेस्ट मैच से शुरू करते हैं। लेटेस्ट मैच हुआ था यहाँ पे 23 जून को यूएसए और इंग्लैंड के बीच में। यूएसए ने मारे थे यहाँ पे मात्र 115 रन, इंग्लैंड ने 117 रन मैच के मात्र मात्र 9.4 ओवर्स में मैच जीत लिया था 10 विकेट से। तो यानी कि टीम बैटिंग सेकंड जो है उसके लिए यहाँ पे कंडीशंस अच्छी रहेंगी, पर अभी और आगे देखते हैं। 22 जून को मैच हुआ था दोस्तों यूएसए और वेस्ट इंडीज के बीच में। यूएसए ने 128 रन मारे थे और वेस्ट इंडीज ने 130 रन मारे थे मात्र 10.5 ओवरों में, और वो भी जो है मैच उन्होंने 9 विकेटों से जीता था। तो अगेन टीम बैटिंग सेकंड जो है उसके लिए बेनिफिशियल है। 20 जून को दोस्तों यहाँ पे मैच हुआ था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। यहाँ पे इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रन मारे थे और अफगानिस्तान को 134 रन पर आउट कर दिया था, यानी कि टीम बैटिंग सेकंड हार गई थी। तो इसका मतलब हम लोग आगे ड्रॉ करते हैं। 8 जून को दोस्तों मैच हुआ था, इससे पहले वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ने 201 रन मारे थे 7 विकेट के नुकसान पर, और इंग्लैंड मात्र 165 रन ही बना पाई थी 6 विकेटों के नुकसान पर। यानी कि टीम बैटिंग फर्स्ट फिर से जीती। 4 मैचेस में टीम बैटिंग जो है वो फर्स्ट जीती है 2 मैचेस में, और 2 मैचेस में टीम बैटिंग सेकंड जीती है। 7 जून को मैच हुआ था दोस्तों नाम्बिया और स्कॉटलैंड के बीच में। नाम्बिया ने 155 रन मारे थे, स्कॉटलैंड ने 157 रन मार के वो मैच जीत लिया था 18.3 ओवर्स में। 6 जून को ऑस्ट्रेलिया और ओमान के बीच में मैच हुआ था, 164 रन मारे थे ऑस्ट्रेलिया ने और ओमान 125 रन ही बना पाया था। तो दोस्तों 6 मैचेस जो हुए हैं पिछले, उसमें तीन टीम बैटिंग सेकंड जीती है और टीम टीम जो है वो बैटिंग फर्स्ट जीती है। 2 और मैचेस हुए थे दोस्तों स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बीच में, मैच जो है वो अबेंडन हो गया था बारिश की वजह से। नामीबिया और ओमान के बीच में जो है वो मैच टाई हो गया था, 109 रन मार रहे थे दोनों टीमों ने। बाद में फिर नामीबिया जो है वो सुपर ओवर में जीती थी। तो 8 मैचेस में दोस्तों 2 अबैंडन, और मतलब एक एक टाई एक अबैंडन, और 3-3 मैच दोनों ही जो है टीमें बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड वाली जीत चुकी हैं। तो क्या करना चाहिए दोस्तों टॉस जीतकर? देखिए, जो पिच है वो हमेशा जो है यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ी सी जो है हेल्प करती है स्टार्टिंग में, बट पिच पूरी तरीके से जो है ट्रू रहती है पूरे के पूरे 40 ओवर में। यहाँ पे स्पिनर्स को जो है वो मदद मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस स्पिनर या कह लीजिए जो रिस्क स्पिनर्स हैं उनके लिए यहाँ पे मौका हमेशा रहता है, क्योंकि उनको पिच की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कुलदीप यादव इंडिया की तरफ से ज़रूर खेलने चाहिए दोस्तों, और उनकी तरफ से जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से तमरेज शम्सी खेलने चाहिए। और साथ में इंडिया को यहाँ पे एक और चेंज क्या करना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे उनको रविंद्र जडेजा को हटाकर जो है यहाँ पर खिलाना चाहिए मोहम्मद सिराज को, क्योंकि शुरू शुरू में यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिलती है। टॉस जीतकर आप चाहे कुछ भी डिसीजन ले, बैटिंग ले या बॉलिंग ले, एक चीज श्योर है दोस्तों कि विनिंग टारगेट जो है यहाँ पे वो 170+ है। अगर आप पहले बैटिंग करते हैं, आप चाहे टॉस जीते या हारें, आप अगर 170 से ज़्यादा रन स्कोर बोर्ड पे लगा देते हैं तो आप यहाँ पे जीत जाएंगे। तो विनिंग स्कोर है दोस्तों यहाँ पे 170 का, उससे ऊपर जितने रन होंगे उतना ही जो है वो आपकी विन सिक्योर होती रहेगी। उससे जितने कम रन आप मारेंगे फर्स्ट इनिंग में उतने ही आपको मुश्किलात आने वाली है
150 से लेके 170 के बीच में आप फाइट कर सकते हैं। दोनों ही टीमों के पास बॉलिंग बहुत शानदार है, तो अगर 150 से 170 रन तक भी बनते हैं तो भी जो है मैच यहाँ पे काटे का हो सकता है। फाइनल का मैच है भैया, सेमीफाइनल तो दोनों के दोनों ही जो है वो बेकार रहे थे, वन साइडेड रहे थे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो टीम इंडिया होनी चाहिए, भैया कोहली को आप चेंज करेंगे नहीं, उनको आप ओपन ही करवाएंगे। कोहली जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फाइनल मैच है, जल्दबाजी मत दिखाइएगा, कोई जल्दी नहीं है, 20 ओवर का मैच है। इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, टिक कर खेलिए, पावर प्ले का फायदा उठाने का कोई फायदा नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मैच जो पिच है वो पूरी तरीके से ट्रू रहेगी पूरे के पूरे 40 ओवर। जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, अगर आप शुरू के 6 ओवर में सिर्फ 36 रन भी मारेंगे ना और कोई विकेट नहीं खोएंगे, तो आप बाकी के ओवर्स में आप जो है रन कूट सकते हैं, अच्छे खासे रन मार सकते हैं एक बार आपकी आई अगर वहां पे जम गई। विराट कोहली के साथ प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो टिक ही नहीं पा रहे हैं। सिर्फ आई थिंक 2 ही मैच ऐसे थे, एक में उन्होंने 34 रन मारे थे और एक में शायद 27 रन मारे थे, जिसमें कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा टिके हैं। 7 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 75 रन मारे हैं, जो कि कोहली के स्टैंडर्ड के हिसाब से किसी भी हिसाब से मतलब कोहली का स्टैंडर्ड नहीं है। रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, वो अपने 2023 का जो उनका ODI का वर्ल्ड कप का सपना था वो पूरा करने के लक्ष्य में लगे हुए हैं, और उम्मीद भी है दोस्तों कि इंडिया विल बी दी वर्ल्ड कप विनर फॉर T20I दिस टाइम। 100% मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप लेके जाएगी। एक्चुअली दोस्तों सही बताऊं तो जो टीम तो मैं खैर डिस्कस कर लूंगा बाद में, जो टूर्नामेंट आप जीतते हैं ना, मतलब वो एक सेइंग है ना इंग्लिश में कि बैट्समैन विन यू मैचेस बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट, तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इंडिया के पास ऐसे 2-3 बॉलर्स तो एटलीस्ट हैं जो कि टूर्नामेंट जिता सकते हैं, जिनमें बुमराह है, जिनमें कुलदीप यादव है, जिनमें अर्शदीप को भी आप थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं, और सिराज भी मिलकर जो है वो चौथे ऐसे बॉलर बना सकते हैं जो कि इंडिया को टीम को जो है ये फाइनल मैच जिता सकते हैं, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, दोनों ही हालत में ये चारों के चारों जो हैं खतरनाक साबित होंगे। अक्षर पटेल भी हो सकता है अपनी बिल्कुल लाइन एंड लेंथ वाली बॉलिंग से जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सके, ट्रू बाउंस रहेगा, तो थोड़ी सी अक्षर पटेल को अपनी बॉलिंग में सुधार लाना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में स्पिनिंग पिच थी तो इसलिए वो अच्छा कर पाए, बट यहाँ पे उनको अपनी बॉलिंग थोड़ी सी टाइट करनी पड़ेगी। एंड सेम गोज फॉर हार्दिक पांड्या, उनको अपने सिर्फ हाफ पिच के बाउंसर्स ही नहीं मारने पड़ेंगे, उनको बॉल थोड़ी बहुत आगे भी रखनी पड़ेगी, और लकी नैप तो वो हैं ही, लकी चाम हैं वो, तो विकेटें भी लेके जाते रहते हैं, उनको भी वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूशन फाइनल में करना पड़ेगा, एक आध एक दो विकेट निकालनी पड़ेगी और साथ में ही बैटिंग से भी रन बनाने पड़ेंगे। तो टीम दोस्तों डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ऊपर रोहित शर्मा, विराट कोहली, 3 नंबर पे ऋषभ पंत, वही सेम टीम खेलेगी, सिर्फ एक चेंज मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा की जगह मोहम्मद सिराज को खिलाना पड़ेगा। बस आप ये गलती मत करिएगा कि आप कुलदीप को हटा के सिराज को ले, क्योंकि ये एक चेंज तो आपको करना ही करना पड़ेगा। 3 स्पिनर्स के साथ आप इस बारबेडॉस के पिच पे नहीं जा सकते हैं, तो जो टीम सेमीफाइनल में खेली थी उस पर सिर्फ एक चेंज होगा दोस्तों। और अगर साउथ अफ्रीका टीम की बात करूं दोस्तों, तो वहां पर जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे, शायद हो सकता है कि केशव महाराज की जगह बैट्समैन को खिलाया जाए, बाकी तो उनकी टीम सेम ही रहेगी, अपने क्विंटन डिकॉक ऊपर खेलेंगे, रीजा हेनरिक्स, फिर उसके बाद अपना 3 नंबर पर जो है मोइन अली को खिलाते हैं वो, फिर उसके बाद अपना क्या नाम है एडम मार्करम 4थे नंबर पे, 5वें पे हेनरी क्लासन, 6ठे पे डेविड मिलर, 7वें पे मार्को योनसन, फिर नॉर्किया कैसिगो रबाडा, टिस्टन स्टब्स माफ कीजिएगा रह गए, टिस्टन स्टब्स बीच में, और अपने तबरेज शमसी। केशव महाराज की जो है वो जगह नहीं बनती है उनकी जगह, क्योंकि तबरेज शमसी जो है वो रिस्ट स्पिनर है तो उनको खिलाना चाहिए। बाकी हाँ, अगर बैटिंग मजबूत करने के लिए केशव महाराज को लेती है साउथ अफ्रीका टीम, तो मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन जो है सही होगा, बट देखते हैं। एक चेंजेस तो उनको भी करना पड़ेगा, बैट्समैन को अंदर लेना पड़ेगा, चाहे तबरेज शमसी की जगह लें या फिर वो लें अपना केशव महाराज की जगह। अब दोस्तों बैटिंग की बात करते हैं हम लोग, कि बैटिंग वाइज क्या क्या रह सकता है।
जैसा कि मैंने कहा, कोहली को टिक्कर खेलना चाहिए। भैया फाइनल आप बार बार नहीं खेलते हो, टिक्कर खेलो। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप टीम को बिल्कुल एंड तक खींच कर लेकर जा सकते हो, चाहे चेजिंग की बात हो, चाहे आपकी पहले बैटिंग करने की बात हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ टिक्कर खेलना है। आप अगर 50 बॉलें खेलोगे और 70 रन भी मारोगे ना, कोई कंप्लेंट नहीं करेगा यार। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको टिक्कर खेलना है। प्लीज़ टिकिए थोड़े देर, अपने आप आपकी बैटिंग फॉर्म आ जाएगी। जल्दी आगे बढ़कर आउट होने की कोई जल्दी नहीं है यार, टिक्कर खेलिए। ऋषभ पंत दोस्तों, रोहित शर्मा आपको मैंने बता ही दिया कि वो अपना सपना इस बार पूरा करते हुए लग रहे हैं, वर्ल्ड कप ये जीतेंगे। वो अच्छे फॉर्म में है, 3 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं, बहुत ही अच्छा खेलेंगे। मैं चाहूंगा कि इस बार भी उनकी हाफ सेंचुरी हो, तेज हाफ सेंचुरी हो, रबाडा हो, मार्को यानसन हो। मार्को यानसन भी अपनी जो है वो लेफ्ट आर्म पेस से उनको आउट करने की कोशिश करेंगे, बट अब मेरे ख्याल से सीख गए हैं रोहित शर्मा। अगर वो बहुत जल्दी नहीं दिखाएंगे तो अपने आप जो है स्कोर उनका बन जाएगा और वो 50 तक आराम से पहुंच जाएंगे, 60 70 80 रन तक भी पहुंच सकते हैं आराम से। हो सकता है कि वो एक सेंचुरी मार दें। भैया फाइनल है, और इससे अच्छा और मौका क्या हो सकता है कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आप आकर जो है सेंचुरी मार रहे हैं। तो ये दोनों हो गए ओपनर्स की बात दोस्तों। उसके बाद ऋषभ पंत आएंगे, उनको भी अच्छा खेलना चाहिए, अच्छा खेलेंगे इनफैक्ट। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, इन्हीं पिचों के वो राजा हैं, यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे वो। हार्दिक पांड्या, वो भी दोस्तों अपने अच्छे हाथ दिखाएंगे। हो सकता है बॉलें उनको कम मिले, लेकिन वो भी अपने अच्छे हाथ दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों अपने शिवम दुबे, कुछ कह नहीं सकता यार उनके बारे में, क्योंकि बहुत ही इनडिफरेंट है, बहुत कम मैचेस में चले हैं। उनके बारे में नो कमेंट्स चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते, उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद अक्षर पटेल, अगर रविंद्र जडेजा नहीं खेलते हैं तो अक्षर पटेल आएंगे। अक्षर पटेल भी जो है वो तेज खेलने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि नीचे वालों की बैटिंग आनी चाहिए, इतने तक ही बहुत रहेगा दोस्तों। इससे ज़्यादा और बैटिंग डिस्कस करने का मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग साउथ अफ्रीका के बैटिंग की दोस्तों। बॉलिंग की मैंने जो है उनकी भी बात नहीं करी, चलिए पहले बॉलिंग की बात कर लेता हूँ। कैसीगो रबाडा एज यूजल अपनी अच्छे बॉलर हैं। बुमराह से कंपेयर तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन बुमराह के टक्कर के ही बॉलर हैं वो T20I में। हालांकि वो थोड़े से पिट सकते हैं, शुरू के 2 ओवर उनको टिक्कर खेलिए, बाद के ओवर में आप उनको मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 2 ओवर उनके देख लीजिए। मार्को यानसन को आप आराम से पीट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बस 1 ओवर वही है कि 1 ओवर देखने वाली बात है। 3 4 बॉलें रोहित शर्मा जी आप उनकी देख लीजिएगा, उसके बाद आप ढूंढिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैट्समैन आपके लिए नए बॉलर हैं, उनको थोड़ा सा देख के संभल के खेलिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता अभी, उनको ज़्यादा एनालाइज नहीं किया गया है। अगर आपने उनके वीडियो एनालिसिस कर लिए हो, देख लिए हो, तो आप जानते होंगे मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, 2 3 मैचेस में ही देखा है। तो वो एक थोड़ा सा कहते हैं ना तुरप का इक्का हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए, उनसे थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है टीम इंडिया को। और चौथे बॉलर जो है इनके दोस्तों, मार्को येंसन की बात कर ली मैंने, नॉर्किया, नॉर्किया को हम लोग बहुत बार खेल देख चुके हैं अपना, हम लोग जो है आईपीएल में भी बहुत बार देख चुके हैं। ही शुडेंट बी मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट हाँ एज ही इज़ अ गुड बॉलर, तो उनको रिस्पेक्ट देना ज़रूर बनता है यार, तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिएगा। बाद में तो सबको पीट सकते हैं यार, तबरेज़ शम्सी के भी आप आखिरी के 1.5 2 ओवरों में जो है अच्छे खासे पीट सकते हैं, और अगर आप जम गए हों तो फिर तो वैसे ही आप तबरेज़ शम्सी को पीट सकते हैं। अगर जमे हुए बैट्समैन मिले ना तबरेज़ शम्सी को, तो 4 ओवर में 45 40 50 रन तबरेज़ शम्सी को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। तो टीम इंडिया टॉस जीतिए, पहले बैटिंग करिए और 170 से ऊपर का टारगेट लगाइए, यू विल विन दिस वर्ल्ड कप। अब बात करते हैं दोस्तों साउथ अफ्रीका टीम की। साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें अपने क्विंटन डिकॉक भैया सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं ये। इसके लिए अर्शदीप और बुमराह को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इनको जल्दी से जल्दी सस्ते से सस्ते में आउट किया जाए, क्योंकि ये बंदा अगर टिक गया ना भाई साहब, ये बंदा ऐसा है कि 40 बॉलों में 80 रन 90 रन ठोक देगा और आधा मैच वहीं पे ख़त्म कर देगा। इसको हर हालत में आपको जल्दी से जल्दी आउट करना ही पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है। 50 रन से कम बम पे इसको हर हालत में आपको आउट करना है, तो ही इंडिया मैच जीतेगी। उसके बाद दोस्तों इनके साथ है रीज़ा हेंड्रिक्स। रीज़ा हेंड्रिक्स के मुझे चलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं है, बुमराह या अर्शदीप उनको खा जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मोइन अली आएंगे, मोइन अली के लिए आप आते ही स्पिन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं तो बुमराह अपने काफ़ी हैं उनके लिए, बुमराह उनको ले जाएंगे।
उसके बाद दोस्तों एडम माकरम, एडम माकरम बहुत अच्छा खेलते हैं दोस्तों, हालांकि अभी वो इतने फॉर्म में नहीं है, पिछले ही मैच में फॉर्म में आए हैं, लेकिन वो एडम माकरम से भी हमें बचकर रहने की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी आप जो है टाइट बॉलिंग कीजिए, सिराज और कुलदीप ये दोनों जो है एडम माकरम को टाइट बॉलिंग करेंगे, तो ये दोनों में से कोई इनको एक जो है वो खा सकता है, आउट कर सकता है इनको। हेनरी क्लासन, भैया हेनरी क्लासन है ना, ऐसे प्लेयर हैं जो नीचे आकर आके टिक जाएंगे और आखिरी तक जो है वो टीम इंडिया को सांस लेने देंगे, चाहे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे या इंडिया पहले बैटिंग करे। अगर साउथ अफ्रीका जो जो है सेकंड बैटिंग करती है, तो हेनरी क्लासन सबसे बड़ा कांटा साबित होंगे टीम इंडिया की जीत में। हेनरी क्लासन की आपने अगर विकेट ले ली ना जल्दी, मतलब 50 रन से पहले, 50 रन रहते हुए, शेष रहते हुए अगर आपने हेनरी क्लासन की विकेट ले ली, तो आप मैच जीत जाएंगे आराम से। मतलब अगर इंडिया 170 रन बनाती है, तो 120 रन साउथ अफ्रीका के टोटल से पहले पहले आपको हेनरी क्लासन तक को आउट करना है, ये आप मान लीजिए, अदरवाइज इंडिया का चांस बहुत कम होगा। उसके बाद अपना ट्रिस्टन स्टब्स हैं, उनसे मुझे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, स्पिन में वो फंस सकते हैं आराम से, स्पिन से वो आउट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो बुमराह के यॉर्कर्स हैं यार, वो आउट कर जाएंगे उनको। बाकी कैसिगो रबाडा हो गए, शबरेज तमसी हो गए, अगर जो हाँ मार्को येंसन, मार्को येंसन भी एक आधा छक्का लगा सकते हैं, स्पिन पे तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं, बट अगर आपने 120 पे हेनरी क्लासन को आउट कर लिया ना साउथ अफ्रीका के स्कोर पे, तो फिर उसके बाद आप मैच जीत जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई टेंशन नहीं होने वाली। इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है, तो ये मैच जो है वो आराम से 20 से 25 रन से जीत जाएगी, और अगर इंडिया मान लीजिए सेकंड बैटिंग करती है, तो भैया आपको साउथ अफ्रीका को जो है वो 150 से 170 के बीच में रोकना पड़ेगा, हर हालत में रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी अच्छी गेंदबाजी, जो कि इंडिया वाले कर सकते हैं, बस गड्ढे कहाँ कहाँ पे हैं, कुछ हद तक एक तो आपके जो अक्षर पटेल हैं उनको बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, दूसरा आपको जो हार्दिक पांड्या हैं उनको प्रॉब्लम आने वाली है, वो जो शॉर्ट बॉल फेंक के जो है अपनी विकेट लेने की कोशिश करते हैं, हमेशा शॉर्ट बॉल ही फेंकते हैं, उनसे बचना होगा। वैसे देखिए आपके पास 6 बॉलर्स तो हैं ही हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अक्षर पटेल को और साथ में ये आपके हार्दिक पांड्या को मिलाकर 4 ओवर करने हैं। अगर अक्षदीप सिंह और अपना सिराज में से कोई एक आधा पिटता भी है, तब आप कह सकते हैं कि शायद 5 ओवर या 6 ओवर इन सबको करने पड़ेंगे मिलके जो है, इन दोनों को मिलके, अदरवाइज नहीं तो अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या को टोटल मिला के 4 ओवर करने पड़ेंगे, बाकी सारे लोग अपने 4 4 ओवर पूरे कर सकते हैं। टीम इंडिया फाइनल मैच जीतने जा रही है, हम लोग सब ये खुशी साथ में मनाएंगे दोस्तों, मैं लाइव पूरी कोशिश करूंगा लाइव आने की, बल्कि हाँ मैं आप लोगों से एक राय भी लेना चाहता हूँ दोस्तों, मुझे आप लोग एक सजेशन दीजिए। कल एक अपना लाइव सेशन के दौरान ये आया था, क्यों ना मैं जो है साथ में कमेंट्री करूं मैच के, मैच देखते देख जो है मैं लाइव आऊं और साथ में कमेंट्री करूं, आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? क्या आप लोग मैच के दौरान जुड़ेंगे मेरे साथ, मेरी कमेंट्री सुनना पसंद करेंगे आप लाइव मैच के दौरान? तो आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे आपका जो भी कमेंट आएगा, चाहे आप हाँ बोलिए ना बोलिए, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। इंडिया मैच जीतने जा रही है, इंडिया विल बी द वर्ल्ड बीटर्स, इंग्लैंड ही एक प्रॉब्लम थी इंडिया के लिए, साउथ अफ्रीका प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जोकर्स का उनका टैग जो है वो उनके ऊपर लगा रहेगा, इस बार फाइनल में आके लगेगा वो अलग बात है, बट इंडिया विल विन, वी विल विन, मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ इंडिया जीतेगी और 100% जीतेगी। चलिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके कुछ भी बता सकते हैं, वैसे मैंने आपको पूछा ही है कि भैया लाइव में आऊँ या नहीं आऊँ, इसके बारे में मुझे बताइए, कमेंट्री करूँ या नहीं करूँ, उसके बारे में भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अगर आप लोग कमेंट्री के लिए हाँ करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ सकें और मेरी कमेंट्री को इंजॉय कर सकें। आप सभी लोगों का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद दोस्तों।